जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये आप देख लीजिए, एग्जाम डेट दिया गया है, एग्जाम टाइम शाम की शिफ्ट का यह पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख लीजिए कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर शामिल हैं वो मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये रहा रीजनिंग का पहला प्रश्न। और आपसे दोस्तों एक आग्रह है, आपके भाई का आग्रह है कि आप अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 20 में से कितने अंक बन रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा रीजनिंग का पहला प्रश्न और बहुत मजा आएगा आपको इस प्रीवियस के पेपर में। अगर आप चाहो तो पहले रीजनिंग का सिलेबस कवर कर लो और फिर प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट लगाओ, बहुत मजा आएगा दोस्तों। पढ़ाई भी मजे से करो, ठीक है। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, ये बड़ी सी आकृति आपको दिख रही है, ठीक है। इसमें आपकी कोई एक आकृति छिपी हुई है जो आपकी ऑप्शन में दी गई है, वो आपको ढूंढ के बतानी है। कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो कौन सी आकृति आपकी छिपी हुई है ये आपको बताना है, ये आप देख लीजिए। तो आपका ऑप्शन 4 की आकृति छिपी हुई है, कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये रही वो वाली आपकी आकृति, ऑप्शन 4 वाली, ठीक है। मोबाइल में थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये रही आपकी वो वाली आकृति, ठीक है। आसान प्रश्न है, एसएससी जीडी में आपके जितने भी आपके आकृति वाले प्रश्न मिलेंगे ज़्यादा कठिन नहीं देखने को मिलेंगे। एक आध कोई प्रीवियस ईयर के पेपर में कठिन होगा, नहीं तो मैं इतना प्रीवियस ईयर के पेपर करवाया हूँ उसमें मुझे कठिन देखने को नहीं मिले, ठीक है। अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है। यहाँ पढ़ना भी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कथन देखो निष्कर्ष देखो और अपना ऑप्शन चुनो, ठीक है। तो कथन है, कुछ फ्लैट घर हैं, कुछ जो ये फ्लैट हैं, ठीक है, जो कुछ फ्लैट हैं, एक मिनट, कुछ जो ये फ्लैट हैं क्या हैं, ये दोस्तों आपके घर हैं, ठीक है, घर हैं, क्लियर। फिर कह रहा है वो सभी घर इमारतें हैं, सभी ये जो घर है ना ये क्या है, ये भाई साहब इमारतें हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है सभी इमारतें बगीचे हैं, जो सभी जी इमारतें हैं ना दोस्त ये क्या है, बगीचे हैं, क्या है, बगीचे हैं, ठीक है। ये आपका कथन बन गया। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में कह रहा है कुछ फ्लैट बगीचे हैं, ये फ्लैट वाला सर्कल है, ठीक है, कुछ फ्लैट क्या है, बगीचे हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाए, कुछ फ्लैट आपके क्या है, बगीचे हैं, ठीक है। तो और ये वाला सही है। दूसरा, सभी फ्लैट इमारतें हैं, सभी जो फ्लैट हैं वो क्या है आपका, इमारतें हैं, ठीक है। अंदर से बाहर की ओर जा रहे गलत हो जाएगा आपका, सभी फ्लैट इमारतें हैं। तो केवल आपका एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, वो है आपका पहला निष्कर्ष, किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में दिया गया है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रश्न हो आप बेझिझक मुझे कमेंट में बताएंगे कि भैया मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया है, बताइए आपने कैसे किया है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रश्न हो, मैं सब बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, बस आपको मेहनत करनी है इस चीज से और कुछ नहीं। इसमें देखो क्या लॉजिक लगा, केवल एक लॉजिक पकड़ लो। इसमें देखो पहले व्रत बना है, ठीक है, पहले शुरुआत किसकी हुई, व्रत की। फिर ये आपका क्या है, पांच नौक का बना है, ठीक है। फिर आपका ये मतलब पंचभुज बना है, पहले ये आपका आयताकार बना है, फिर ये पंचभुज बना है, ठीक है, पहले आयताकार फिर पंचभुज। तो देखो ये पहले ऊपर था, फिर देखो ये नीचे आ गया, तो अब किसकी बारी आएगी, अब ऊपर की बारी आएगी। तो यहाँ पर बनेगा ऊपर की ओर, सेम इज जैसा, ठीक है। तो आप देखो किस में बना है, पहले आएगा आयत और ऊपर की ओर, किस ऑप्शन में देख लो। तो भाई साहब इसमें नीचे की ओर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो आयत है नहीं क्योंकि पहले आयत आएगा, ठीक है, इसमें भी आयत नहीं है, ये भी गलत, इसमें आयत है, ऊपर की ओर है, ऑप्शन 4 ही सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये देखो, ठीक है, आकृति वाले निकल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आकृति वाले में क्या है कि मोबाइल में आपको शायद थोड़ा साफ साफ भी ना दिखे, ऐसा हो सकता है। देखो पासे वाला ये प्रश्न है आपका, उसने कहा है ई दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्ण अक्षर ज्ञात कीजिए।
तो आपको ई के विपरीत बताना है कौन सा अक्षर है। क्लियर। तो इसमें देखो सी है, इसमें भी सी है, इसमें देखो एफ है, इसमें भी एफ है। जब दो अक्षर समान है तो ये आपस में कट जाएंगे, उभयनिष्ठ का नियम लगेगा और ई का अपोजिट, ई का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन थ्री में। ठीक है, ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, और देखो इसको भी कैसे सॉल्व करने कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लें ताकि आपको सही से दिख जाए। ठीक है, आप सही है। देखो चौवन है तो हम चौवन लिख देंगे, चौवन के बाद आपका ये एंड का निशान लगा, तो एंड का मतलब है, एंड का अर्थ है भाग, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे यानी बटे में कर देंगे छः। फिर आपका हज है, हज का क्या मतलब, हज का अर्थ है गुणा, गुणा लगा देंगे छः, गुणा के बाद आपका दो है, यहाँ छः नहीं दो है, क्या है यहाँ पर आपका दो है। ठीक है, दो बन गया। उसके बाद आप देखिए दो के बाद है आपका ये डॉलर का निशान, तो डॉलर का मतलब है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है आठ, तो आठ लिख देंगे, आठ के बाद एट द रेट, तो एट द रेट का अर्थ है घटाओ, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और चार लिख देंगे। आपका कुछ इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो छः एकम छः, छः नम चौवन नौ आ जाएगा, नौ का गुणा दो में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अठारह हो जाएगा, नौ गुणा दो अठारह, और अठारह में आप प्लस आठ करोगे कितना हो जाएगा, अठारह दो बीस छब्बीस हो जाएगा, और छब्बीस में से ये माइनस चार होंगे तो कितने बचेंगे, आपके बचेंगे बाईस। ऑप्शन वन बिल्कुल सही। ठीक, अगला देखो, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन वाला, रक्त संबंध वाला, और रक्त संबंध से आपका एक प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, हर प्रीवियस ईयर में एक ही प्रश्न पूछा गया, दो नहीं देखने को मिले। ठीक है, प्रश्न है, प्रश्न है टी एल से किस प्रकार संबंधित है, प्रश्न में यह पूछा है, तो देखते हैं क्या रिश्ता है उसका। देखो एल भागे आर, तो भाग का अर्थ है डी ई की पुत्री है, यानी एल जो है, एल जो है वो आर की क्या है, आर की पुत्री है, तो माइनस कर देता हूँ क्योंकि पुत्री है, प्लस जब करूँगा जब कोई पुरुष होगा। ठीक है, एल आर की पुत्री है, फिर कह रहा है प्लस, तो प्लस का अर्थ है दोस्तों डी ई की बहन है, यानी आर जो है वो टी की बहन है, तो यह माइनस कर दूंगा क्योंकि बहन है यानी महिला है। फिर आगे देखो, फिर वो कह रहा है भाग, तो भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है डी ई की पुत्री है, यानी टी जो है वो किसकी पुत्री है, टी दोस्तों डब्ल्यू की पुत्री है, यानी ये भी महिला है, माइनस है। तो एल की जो मौसी होगी वो, एल की जो मौसी होगी वो कौन होगी, टी होगी, और एल की मम्मी होगी आर। ठीक है, क्लियर। और नानी कौन होगी, नानी होगी डब्ल्यू। फिर आपका माइनस, तो माइनस का मतलब है डी ई का पति है, यानी डब्ल्यू एम का पति, दादा होगा वो डब्ल्यू एम का पति है, डब्ल्यू जो है वो एम का पति है, यानी एम महिला है और डब्ल्यू प्लस यानी पति है, तो यानी पुरुष है वो। अब देखो भाई साहब, एल का जो मम्मी है वो आर है, आर का जो बहन है वो टी है, और टी का जो पापा है वो डब्ल्यू है, और डब्ल्यू का जो घरवाली वो एम है, यानी एल के जो नाना है, ठीक है, एल के जो नाना है वो डब्ल्यू है, नानी एम है, और एल की जो मौसी वो टी है, और एल की मम्मी आर है। प्रश्न में पूछा है टी एल से किस प्रकार संबंधित है, तो टी एल से, तो भैया टी जो है वो एल की क्या है, मौसी है, क्या है, मौसी है, आर टी की बहन है ना ये, तो जब आपकी मम्मी की बहन क्या होगी, आपकी मौसी होगी, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा। सभी रिश्ते मैंने बता दिए, नाना नानी मम्मी और मौसी से रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सीरीज वाला, कुछ समझ में ना आए अंतर निकालो, सीधी सी बात है अंतर निकालो। तो देखो इसको और जूम करो थोड़ा और साफ साफ देखे, पाँच और आठ का अंतर कितना होता है, तीन होता है भैया, आठ और सोलह का अंतर कितना होता है, आठ और सोलह का अंतर होता है आठ, ये तो कोई मैच नहीं कर रहा। देखो एक मिनट, इसमें अगर हम इस पाँच को हटा देंगे, इस पाँच को हमने हटा दिया, तो देखो आठ दूनी सोलह हो गया, उन्नीस दूनी अड़तीस हो गया, ठीक है, और ये जो बयासी है तो इकतालीस दूनी बयासी होगा, ठीक है, चालीस दूनी बयासी नहीं होगा, छत्तर दूनी बयासी नहीं होगा, उनहत्तर दूनी बयासी नहीं होगा, इकतालीस दूनी बयासी होगा, तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया, फिर से देख लो, ये पाँच हमने हटा दिया है ही नहीं है, तो देखो आठ दूनी सोलह, उन्नीस दूनी अड़तीस, तो यहाँ पर इकतालीस आएगा, तभी इकतालीस दूनी बयालीस होगा, ऑप्शन टू बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है क्रम व्यवस्था वाला, इसे बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, ये मुझे एक मिनट यार स्क्रॉल हो गया नीचे को, ये मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व कराए, उसमें मुझे दूसरा या तीसरा दूसरा प्रश्न मिला है देखने को, ऐसा
विपरीत वाला है ये प्रश्न, ठीक है। देखो इसको ध्यान से समझना, कह रहा है पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। विपरीत दिशा की ओर, विपरीत दिशा में जो आपका दायां होगा वो आपका बायां हो जाएगा और जो आपका बायां होगा वो आपका दायां हो जाएगा, यही होता है विपरीत दिशा में, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था ध्यान से समझना, और कुछ नहीं। कितने व्यक्ति हैं? 1, 2, 3, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। और भैया वो विपरीत दिशा में देख रहे हैं, केंद्र की ओर नहीं देख रहे। अब प्रश्न की शुरुआत करो, कह रहा है एस आर के दाई ओर ठीक बगल में है, तो दायां क्या हो जाएगा? बायां। एस आर के, एक मिनट, एस आर के दाई ओर ठीक बगल में है, तो एस जो है आर के यार बना लिया, दाई ओर नहीं होगा, इस साइड नहीं होगा, बाई ओर इस साइड हो जाएगा, तो एस आर के दाई ओर यानी एस आपका बाई ओर बैठेगा, ठीक है। एक मिनट, कोई मिस्टेक नहीं हो रही, सही है, ठीक है। फिर कह रहा है एस आर के दाई ओर ठीक बगल में और यू के बाई ओर ठीक बगल में, तो यू यहां बैठेगा, यू का दाया क्या होगा? बाया होगा, दाया जो होगा वो क्या होगा? बाया होगा, तो उसने कहा है बाई ओर यानी दाई ओर, तो यू के बाई ओर यानी दाई ओर ये एस बैठ गया। फिर कह रहा है यहां से क्यू आर और पी के बीच में, क्यू जो है वो आर और पी के बीच में है, ठीक। फिर कह रहा भाई साहब टी यू के दाई ओर ठीक बगल में, टी यू के दाई ओर यानी बाई ओर, टी यू के दाई ओर यानी बाई ओर, टी आपका यहां बैठ जाएगा, ठीक है, यू के दाई ओर यानी बाई ओर और ठीक बगल में, और पी के बाई ओर, तो पी के बाई ओर यानी दाई ओर, ठीक है, पी के बाई ओर बोलना ये यानी दाई ओर। तो आपके छह के छह व्यक्ति बैठ चुके हैं, दाया का बाया करना, बाया का दाया करना, ये आपके बैठ गए, ठीक। कह रहा है पी के दाई ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो दाया को क्या करना? बाया, तो पी के दाई ओर यानी पी के बाई ओर कौन बैठा है? पी के बाई ओर आपका एक क्यू बैठा है, दाई ओर टी बैठा है, लेकिन बाया पूछा है उसने, उसने पूछा क्या? दाई, दाई को क्या करना? उल्टा यानी बाया करना है, तो पी के बाई ओर आपका एक क्यू बैठा है, ऑप्शन टू बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला देखो, ये भी आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो झटके में करेंगे अपन। देखो नौवां प्रश्न, कॉफी को 12 लिख दिया, 4 को 8 लिख दिया, ठीक है, तो एंड्रॉइड को क्या लिखेगा? तो देखो इसमें कितने अक्षर हैं, सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का दूना कितना लिख दिया? 12, 1, 2, 3, 4 है, 4 का दूना लिख दिया 8, सेम हम इसमें करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का दूना कितना होगा? 14, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में। अगला देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये आपका म्यूजिक को वो ए लिख देता है, डांस को ए लिख देता है, कॉन्सर्ट को क्या लिखेगा? तो इसमें उसने क्या किया है, इसमें उसने विपरीत लिखा है, अपोजिट लिखा है, तो भैया एफ का अपोजिट उसने एन लिखा है, ठीक है, यू का अपोजिट एफ होता है, क्लियर हो गया, और एस का अपोजिट एच होता है, आई का अपोजिट आर होता है, और सी का अपोजिट एक्स होता है, यानी अपोजिट संख्या लिखी है, इसका भी चेक कर लो, डी का अपोजिट डब्लू, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, सी का अपोजिट एक्स, और ई का अपोजिट बी। अपोजिट करना है तो सी का अपोजिट क्या होता है, तो सी का अपोजिट होता है एक्स, ओ का अपोजिट एल, एन का अपोजिट एम, सी का अपोजिट एक्स, ठीक है, और आपका ई का अपोजिट होता है, एक मिनट, सी का अपोजिट एक्स, हाँ ई का अपोजिट होता है आपका बी, और आर का अपोजिट होता है आई, और टी का अपोजिट होता है जी, ठीक है। तो आपका एक्स एल एम एक्स बी आई जी, एक्स एल एम एक्स बी आई जी, ऑप्शन टू बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है, इसमें देखो क्या किया उसने, इसमें क्या किया है भाई साहब, इसमें ओ का क्यू, हाँ देखो इसमें एक किया उसने, देखो हेलो को ये लिख दिया, नमस्ते को ये लिख दिया, तो सलाम को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए क्या लॉजिक लगा है, एक मिनट इसको थोड़ा इस साइड ले लो, ठीक है, तो सलाम को अपन को बताना क्या लिखेगा, तो देखो ओ का लिख दिया उसने क्यू, पीछे से किया है उसने, पीछे से आगे लिख दिया, तो ओ आता 15 पर, क्यू आता 17 पर, 2 प्लस किया, एल का लिख दिया भाई साहब ने एन, 2 प्लस किया, एल से देखो एन लिख दिया, 2 प्लस किया, ई से लिख दिया जी, 2 प्लस किया, एच से लिख दिया जे, 2 प्लस किया, पीछे से किया है ध्यान रखना। वैसे ही इसमें देख लो,
पीछे से किया ई से दो प्लस, ई आता पांच पर, जी आता सात पर दो प्लस, टी से यू, टी बीस पर, ना दो किया है, ई से जी हो गया दो प्लस, टी से बी हो गया दो प्लस, एस से यू हो गया दो प्लस, ए से सी हो गया दो प्लस, एम से ओ हो गया दो प्लस, ए से सी हो गया दो प्लस, और एन से पी हो गया दो प्लस। ठीक है, दो प्लस करके लिखना है। तो एम में दो जोड़ेंगे कितना आएगा, ओ आएगा। ठीक है, ए में दो जोड़ेंगे कितना आएगा, सी आएगा। एल में दो जोड़ेंगे एन आएगा। ए में दो जोड़ेंगे सी आएगा। एस में दो जोड़ेंगे आपका यू आएगा। ओ सी एन सी यू, ओ सी एन सी यू, ऑप्शन टू बिल्कुल सही। अगला देखो, ये भी सरल है, ये भी सरल है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमारी शिफ्ट में नहीं आते भाई साहब, हमारी शिफ्ट में आ जाए तो कितना अच्छा रहे। देख लो भाई साहब, बहुत सरल है, कठिन प्रश्न हमारी शिफ्ट में। और पिछला जो पेपर हुआ था, मतलब और पहले का लगता था बहुत कठिन है यार, अब इतना प्रैक्टिस लगाए बहुत सरल लगने लगा। तो रीजनिंग बहुत कठिन लगी शुरू में, अब बहुत सरल लग रही है। तो प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो। देखो, दा में कितने अक्षर हैं, तीन अक्षर हैं। साइट में कितने अक्षर हैं, आपके पांच अक्षर हैं। इज में कितने अक्षर हैं, दो अक्षर हैं। डैडी में भी पांच अक्षर हैं। तो दा में जब तीन अक्षर, उसने तीन लिख दिया। ठीक है, साइट में पांच लिख दिया, इज में दो अक्षर हैं, उसने दो लिख दिया, और डैडी में पांच अक्षर हैं, पांच लिख दिया। समझ में आ गया लॉजिक? एक और समझ लो। देखो, सी में सी ओ एम बी, सी ओ एम बी चार अक्षर हैं, तो देखो उसने चार लिख दिया। ठीक, वाई ओ यू आर चार अक्षर, उसने देखो चार लिख दिया। एच ए आई आर, उसने चार अक्षर है, चार लिख दिया। समझ में आ गया? अब देखो इसका, इसका कितना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। देखो, अरे यार, जो शुरू में जो मुझे बोलना चाहिए वो बाद में बोल रहा हूँ, फिर से देख लो। देखो, द सर्ट इज डैडी को उसने ए लिख दिया, एक्सरसाइज रेगुलरी को उसने 89 लिख दिया, और कॉम्ब योर हेयर को 444, तो एम टी योर वेसिल को क्या लिखा जाएगा? तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एम टी में कितने अक्षर हैं, ई एम पी टी पांच अक्षर हैं, पांच लिख देंगे। योर में कितने अक्षर हैं, चार अक्षर हैं, और वेसिल में कितने अक्षर हैं, छः अक्षर हैं। 546 किस ऑप्शन में, ऑप्शन फोर में। लॉजिक समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गया, बहुत अच्छा। आपका भाई पढ़ा रहा है, समझ लो आपका बड़ा भाई पढ़ा रहा है आपको, ये समझ लो। कोई भी प्रश्न समझ में आए बिल्कुल पूछना आप, ठीक है। और स्कूल का दोस्तों भाइयों जरूर बताना। अगला प्रश्न देखो, पी से पी कट जाएंगे, ऐसे प्रश्न को देखो ऐसे सॉल्व करते हैं। पी पी सभी में काट देंगे, ओ सभी में काट देंगे, फिर देखो एल है, पी है, पी है, सी है, ओ है, इनमें से कौन पहले आता है? पहले आता है दोस्त सी वाला, यानी पहले आएगा दोस्त चार वाला। ठीक है, फिर आपका है एल पी ओ, कौन है, एल पी पी ओ, तो कौन आता है पहले, पहले आता है भाई साहब एल वाला। ठीक है, एल क्योंकि आपका जे के एल, एल 12 पे होता, तो पहले एल वाला आएगा, नहीं एक, उसके बाद फिर ओ यानी 15 वाला आएगा, तो पांच पर, फिर आपके पी पी, पी बी वाले निपटाएंगे, यू यू काटेंगे, एल एल काटेंगे, ए ए काटेंगे, आर है, टी है, तो कौन पहले आता है, आर 18 पे, टी 20 पे, पहले आर वाला आएगा यानी दो आएगा, फिर उसके बाद तीन आएगा। 415 23 ऑप्शन फोर, 415 23, समझ में आ गया। अगला देखो, ये भैया वृत्ताकार मेज वाला है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न दो अंक का पूछा जाता है। ठीक है, दो अंक से नीचे कोई, इतने प्रीवियस के पेपर सॉल्व किए, दो प्रश्न से कम देखने को मिले, दो आपके 100% देखने को मिले हैं, तीन हो जाए वो बात की बात, लेकिन दो तो देखने को मिले ही मिले हैं। ठीक है, तो प्रश्न को देखो, कह रहा पांच मित्र एस यू के एन और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर देख रहे हैं, वो जो वो वाला प्रश्न करवाया था उसमें विपरीत देख रहे थे। ठीक है, तो केंद्र की ओर देख रहे हैं, पांच मित्र हैं। ठीक है, पांच मित्र हैं, तो पांच हमने बैठक बना ली, और भाई साहब वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आसान है। देखो अब वो कह रहा है के एस और एम के ठीक बगल में है, के जो है वो एस और एम के ठीक बगल में है, क्लियर। फिर देखो, फिर कह रहा है एस यू के ठीक बगल में नहीं है, एस यू के ठीक बगल में नहीं है, तो भाई साहब यू को हम इधर नहीं बिठा सकते, इधर बिठाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एस जो है वो यू के ठीक बगल में नहीं है। फिर कह रहा है एन एम के ठीक बगल में नहीं है, तो भैया एन एम के ठीक बगल में नहीं, तो भैया एन को हम इधर बिठा देंगे। ठीक है, तो एम के ठीक बगल में नहीं है, आपके पांच के पांच व्यक्ति बैठ चुके। कह रहा है प्रश्न में
के और एन के ठीक बगल में कौन बैठा है? तो के ए है, एन ए है, इसके बगल में जी एस भाई साहब बैठे हैं। ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही। अगला 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 प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें एग्जाम में तो क्या आ गई भाई, वहाँ तो टाइम लगेगा, वहाँ एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर सही है, तो ऑप्शन फोर से देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फोर में आपका माइनस की जगह प्लस करना, प्लस की जगह माइनस, तो 26 है, 26 का माइनस तो उसको करना प्लस, 13 है, 13 के बाद आपका प्लस है तो उसको करना माइनस, 18 कर देंगे, 18 के बाद भाग का निशान है तो 54 लिख देंगे बटे में, बटे में मतलब चौगुनी होता है, भाग ही होता है, गुणा 24 बराबर में आपका 31 आना चाहिए इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद। तो आपका कुछ इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 18 एकम 18, 18 3 54, 3 बार कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 8 24, 8 बार कटेगा, ठीक है, 8 तो भाई साहब माइनस का है और 13 प्लस का है, 26 प्लस का है, तो ये जुड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 2 1 3 39 हो जाएंगे, और 39 में से ये माइनस के 8 होंगे तो आपके 31 यानी 31 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, देखो सीरीज वाला समझ लो या कोडिंग डिकोडिंग वाला, जो भी हो, ठीक है, या एनालॉजी वाला, जो भी। देखो इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो लॉजिक इसमें ए लगा है, देखो टी का लिख दिया उसने, बी दो प्लस किया है, टी बीस पर, बी बाईस पर, ठीक है, तो इसमें भी हम वही दो प्लस करेंगे, तो पी आता है 16 पर, 16 में दो जोड़ेंगे हो जाएगा 18, 18 पे आर आता है, यू से डब्ल्यू हो गया, यू आता है इस पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, दो जोड़ा है, तो क्यू में हम दो जोड़ेंगे, क्यू आता है 17, 17 में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 पे कौन आता है, एस आता है, आर एस आर एस, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, अगला चेक करो, तीसरा चेक करो, एल का लिख दिया एन, एल आता है 12 पर, एन आता है 14 पर, दो प्लस, एच में दो जोड़ेंगे तो एच आता है 8 पर, 8 में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आता है, जे आता है, आर एस जे, आर एस जे, किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इसमें नहीं, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका कोड जरूर सीख लेना कि ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, जब आपको मजा आएगा, यही तो मैं कह रहा हूँ, पहले सिलेबस कंप्लीट करो और फिर जब आप लगाओगे बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है, और आपकी जो बड़ी सी आकृति दी गई है इसमें से आपको बताना है जो आपकी ऑप्शन दी है, कौन सी ऑप्शन वाली आकृति आपकी इस बड़ी सी आकृति में छिपी हुई है, तो ढूंढो जल्दी ढूंढो। तो आपका ऑप्शन 2 वाली आकृति छिपी हुई है, लेकिन कहाँ छिपी है ये तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई, कहाँ छिपी है? तो भाई साहब आपकी ए वाली आकृति ऑप्शन 3 वाली आपको कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही, गलत। ए वाली आकृति दिख रही है, उसने क्या कहा है, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये टेढ़ी है, तो समझ लो टेढ़ी ही ढूंढना है यहाँ पर, तो ये तो आपको ऐसे कहीं नहीं दिख रही, ऐसे दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन 2 वाली आकृति कहाँ है, तो वो यहाँ पर है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये देखो आपकी ये रही वो वाली आकृति। ठीक है, आकृति वाले प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते, एक आध में कोई पूछ ले तो भाई कह नहीं सकते, एक आध प्रश्न मुझे भी एक दो प्रश्न मुझे देखने में कठिन लगे थे, ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन 2 वाली आकृति ये रही, ठीक है, बाकी आकृति वाले ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे, CGL में तो थोड़ा कठिन है यार। इसमें देखो, इसमें ये आपका श्रृंखला वाला प्रश्न यानी सीरीज वाला, इसमें देखो कैसे सॉल्व करना है, कुछ समझ में ना आए अंतर निकालो, 100 और 80 का अंतर 20 होता है, 80 और 63 का अंतर 17 होता है, 80 में से 63 जाएंगे कितने बचेंगे, 17 बचेंगे, 63 में से 49 जाएंगे कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, और 49 में से 38 जाएंगे कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, और 38 में से 30 जाएंगे 8 बचेंगे, क्या लॉजिक लग रहा है, 20 से 17 हो गए -3, 17 से 14 हो गए -3, -3 हो रहे हैं ना ये, 17 से 14 -3, 14 से 11 -3, ठीक है, और 11 से 8 -3, तो 8 में से भी -3 होंगे, तो 8 में से आपके कितने -3 होंगे, तो कितने बचेंगे 5, और इस 30 में से हम -5 कर देंगे तो आपका 25 आ जाएगा, 25, ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, देखो इसमें यहाँ पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, एक मिनट टाइम ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, यहाँ दिमाग नहीं खपाना अपना, कोई न्यू नया कैंडिडेट हो उनके लिए बताऊँ, जो नए कैंडिडेट हो रहे हैं, नए कैंडिडेट होते हैं जो हमारे नए भाई हैं, नए दोस्त हैं, उनको नहीं पता, नई बहनें भी हैं जिनको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, देखो क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्त लॉजिक इसमें ये लगा है कि आपका 15 और 14 कितना होता है, 29 होता है। 29 का गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा। ठीक, 24 और 14 कितना होता है, तो 24 और 14 4 और 4 8 और 2 1 3 38 होता है। 38 का गुणा हम करेंगे 6 में, कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया। तो यही लॉजिक किस ऑप्शन में लगा है वो चेक करना है हमको। तो यही लॉजिक ऑप्शन 2 में लगा है। देखो कैसे, 43 और 19 होता है आपका 64। ठीक है, कितना होता है 64, और 64 का गुणा अगर हम 6 में करते हैं तो आपका 384 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपका किसी में ये लॉजिक नहीं लगेगा। 20 और 13 अगर आप जोड़ो तो 20 3 33, 33 का गुणा अगर आप 6 में करोगे तो 192 नहीं आएगा दोस्त। वैसे ही आपका 15 और 17 कितना होता है, 32 होता है। 32 का गुणा 6 में करोगे ना तो आपका 180 नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न है सीरीज वाला, और इसमें देखो क्या है, क्यू का हो गया एन, वो सॉरी क्यू नहीं, के का हो गया एन। तो के आता है 11 पर, एन आता है 14 पर प्लस 3। एन का हो गया पी, एन आता है 14 पर, पी आता है 16 पर प्लस 2। पी से एस हो गया, पी आता है 16 पर, एस आता है 19 पर प्लस 3। ठीक है, पी से एस हो गया प्लस 3, और एस से यू हो गया प्लस 2। क्या लॉजिक लगा, पहले है आपका प्लस 3, फिर है आपका प्लस 2, फिर आपका प्लस 3, फिर प्लस 2, ये आपका लॉजिक लग रहा है। तो के से एन हो गया प्लस 3, एन से पी हो गया प्लस 2, पी से एस हो गया प्लस 3, एस से यू हो गया प्लस 2, अब यू से प्लस 3 होगा। तो यू आता है 21 पर, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24 में कौन आता है, एक्स आता है। किस ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं। अगला चेक करो, अगला है आपका यू का टी हो गया, यू 21 पर, टी 20 पर माइनस 1, टी से एस माइनस 1, एस से आर माइनस 1, आर से क्यू माइनस 1। तो क्यू से अब क्या होगा, क्यू में से माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा पी, एक्स पी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के प्रश्न। मुझे आशा, सॉरी, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लाइक जरूर कर देना दोस्त, और 20 में से कितने अंक बन रहे सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक, ये देखो आपका यहाँ से जी के जीएस का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और चाहता तो मैं लाइव भी करवा देता, लेकिन लाइव में क्या है कि मेरा मोबाइल है सस्ता वाला। ठीक है, तो सस्ते वाले मोबाइल में क्या है कि भाई आपका ये स्क्रीन भी बगल का आ रहा है। ठीक है, पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देखोगे तो लास्ट का वो स्क्रीन आ रहा है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ इसको, मैं एडिट करना पड़ता है, एडिट करके फिर आपको करवा रहा हूँ। क्योंकि 240 का करवा रहा था तो 240 का नहीं आ रहा था, फिर ऐप से, ऐप के सहारे से 240 पर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप वीडियो पूरा देख सकें। क्योंकि अगर इतना बड़ा वीडियो होता है रीजनिंग का, 30 मिनट 25 मिनट जाता है, और अगर 360 पे हम करेंगे तो भैया वो भैया आपका MB तो कटेगा, खप जाएगा, मतलब MB तो पूरा लग जाएगा वो एक ही वीडियो में, तो पूरे वीडियो तो आप देख नहीं पाओगे, तब की आपको चारों विषय कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 240 पे भी कर दिया और 140 पे भी कर दिया, तो 240 पे आसानी से दिख जाएगा। पहले प्रश्न को खुद सॉल्व करना है, ठीक है, और जब प्रश्न में समझ में ना आए तब आपको वीडियो स्टार्ट करके वो प्रश्न को देखना है कि कैसे, क्या लॉजिक लगा है। समझ में आ गया, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।